Hello, guys, and welcome back to my channel. name hai arzu, and today's video is part 2 of what all things you should shop if you are moving to Australia as an international student. तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन पार्ट वन एंड बहुत सारे कॉमेंट्स आए पार्ट टू के सो so मुझे बहुत जल्दी ये वीडियो बनानी पड़ रही है uh, इसमें मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगी एज आई सेड जो रह गई थी प्लस मैं आपको अपने बैग्स भी दिखाऊँगी कि आपको किस टाइप के बैग्स परचेज करने चाहिए क्या क्या सामान जो बचा है वो आपको लेकर जाना चाहिए एक और चीज कंक्लूड करूंगी गाइज मैनी ऑफ यू डू नॉट नो दैट आई एम स्टिल इन इंडिया मैंने जो भी वीडियोज बनाए हैं वो उसी सीक्वेंस में बनाई है जिस सीक्वेंस से मैं जा रही हूँ जब मेरा एस एस वी एफ इंटरव्यू हुआ था स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी के साथ तो जैसे ही इंटरव्यू हुआ मैंने वो रिकॉर्ड किया और उसकी वीडियो डाली जैसे ही मेरा फिर सी ओ ई आया उसके बाद आ, मेरी वीज़ा फाइलिंग हुई फिर मेडिकल हुआ उसके बाद मेरा वीज़ा आया मैंने उसी प्रोसीजर से सारी वीडियोज़ बनाई हैं और आ, मैं लाइक सीक्वेंस से आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई नो देर आर लाइक अ लॉड ऑफ़ स्टूडेंट्स हुआ ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड हु आर लुकिंग फॉर गाइडेंस प्लस मैं एक चीज़ जरूर बताऊंगी कि इट्स नॉट वन वे यू नो कम्युनिकेशन मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ पता चलता है कॉमेंट्स में जब आप लोग यू नो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो आई फील रि रियली गुड तो गाइज जो बातें आपको पता है वो आप मुझे बता दिया करो और जो मुझे पता है वो तो मैं बता ही रही हूँ और जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वो वो सब चीज़ें मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सब चीज़ें लेकर जाओ क्योंकि वहाँ का मैं वहीं पर जाके बता सकती हूँ एंड मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि जब मैं वहाँ पे जाऊँगी मुझे प्रैक्टिकली पता चलेगा कि क्या क्या चीज़े आपको चीज़ें आपको लानी चाहिए और क्या क्या नहीं अभी के लिए मैं आप सभी को अपने बैग्स दिखा रही हूँ अपनी पैकिंग दिखा रही हूँ और क्या क्या सामान मैं ले जा रही हूँ वो बता रही हूँ एंड आई थिंक आप भी अगर ये सामान ले जाओगे तो यू वॉन्ट रिग्रेट टेकिंग देम बिकॉज़ जितने भी मेरी वहाँ से लोगों से बात हुई है और मैंने यू नो रिसर्च की एंड ऑल मुझे ये सब चीज़ें ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट लगा तो गाइज भाषण को यहीं ख़त्म करते हैं और <laughs> स्टार्ट करते हैं वीडियो सो यस गाइज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको यूटेंसिल्स के बारे में बताऊंगी और क्या क्या बैग्स मैं लेके जा रही हूँ वो बताऊंगी और जो चीज़ें उस वीडियो में बताना रह गया था इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट टू माई बैग्स एंड ऑल्सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने क्या क्या उसमें रखा है आपको भी वो सारी चीज़ें रखनी चाहिए सो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको अपने बैग्स दिखा देती हूँ ये है चेक इन बैग ये है दूसरा चेक इन बैग ये है कैबिन बैग और वो है लैपटॉप बैग ये दोनों मेरे साथ रहेंगे और ये दोनों मैं सबमिट करूँगी गाइज़ मैं ट्रैवल कर रही हूँ एयर इंडिया में तो उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी केजिज़ अलाउड हैं तो मैंने ट्वेंटी के जीज़ इसमें डाल लिया है ट्वेंटी केजेस इसमें डाल लिया है टोटल हो गए फोर्टी के जिज़ ठीक है तो अब ये है <laughs> ये है वो बर्तन जो मैं लेके जा रही हूँ इनके बारे में मैं बताऊँगी लेकिन उससे पहले मैं आपको पैकिंग दिखा देती हूँ गाइज़ ये मत समझना कि यू नो ये तो बस इतना सा सामान है गाइज़ इसके दूसरी साइड भी होती है और इसमें भी आप बहुत सामान रख सकते हो इसको खोल के भी अंदर मैंने uh, कपड़े रखे हुए हैं वैक्यूम बैग में सील्ड इस वाली में जो मैं साथ लेके जाऊंगी इसमें मैंने रखी है गाइज़ क्विल्ट यानी कि रज़ाई तो गाइज़ आप लोग भी रज़ाई रख लेना मैं अच्छे से बताऊंगी इसके बारे में गाइज़ ये है लैपटॉप बैग इसके अंदर मेरा लैपटॉप है पावर बैंक है चार्जर है ईयरफोन्स है लाइक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो सारा इस बैग इस में रखा हुआ है फिर आता गाइज इस बैग पे तो इसमें है मेरा सामान कपड़े गाइज़ अब आप कहोगे ये देखो ये खाली है गाइज़ ये खाली नहीं है क्योंकि मैंने वैक्यूम बैग यूज़ किए हैं इसलिए ये स्पेस बचा हुआ है बट यू गाइज वॉन्ट बिलीव ये मैंने शूज़ और चप्पल गाइज़ चप्पल भी ले लेना वहाँ जाके जाते कौन सी चप्पल खरीदोगे तो चप्पल ले लेना ये थोड़ा सर्दियों का सामान है ये है गाइज़ इसमें रखे हैं मैंने दो वैक्यूम बैग्स इसमें दो हैं ये एक ये है इसके नीचे एक और है एंड यू वॉन्ट बिलीव एक बैग में टेन के जी का वज़न है बीस के जी है ये पूरा टोटल बीस के जी होने के बावजूद स्पेस देखो कितनी बची हुई है जस्ट बिकॉज आई हैव यूज़ दिस वैक्यूम बैग अगर मैं ये वैक्यूम बैग यूज़ नहीं करती तो गाइज़ जो एक बैग में सामान है वो भी पूरा नहीं आता वो भी ओवरफ्लो होता इतना सामान है इसमें इसमें मैंने ब्लेजर रखे हैं बेडशीट्स रखी हैं और नीचे वाले में भी काफ़ी कपड़े हैं ये गाइज ये उठ भी नहीं रहा है इतना भारी है वरना मैं दिखा देती हाँ जी ये देखो नीचे ये दूसरा है और इसमें भी कपड़े हैं गाइज ये दोनों ही टेन टेन के के हैं और इनकी विथ्थ देख सकते हो आप कितनी कम है दस के जी होने के बावजूद तो गाइज दीज आर मस्ट मस्ट बाय इनमें इन्वेस्ट करना ठीक है दीज़ आर लाइक अमेजिंग तो गाइज मैंने बैग्स दिखा दिए हैं बताना कैसे लगे ठीक है बता देना कुछ भी बोल देना और ऑल्सो अब मैं बताऊंगी पॉइंटर्स में कि आपको और क्या क्या सामान लेके जाना है वो बस मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने कैसे सामान अरेंज किया है और कैसे सामान रखा है उसमें मैंने पूरा नहीं बताया तो सो स्टार्ट विद यूटेंसिल्स गाइज यूटेंसिल्स में कुकर uh, ज़रूर ले लेना क्योंकि कुकर या तो वहाँ पे मिलेगा नहीं और अगर इंडियन स्टोर में मिल भी गया इट विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव सो इट्स एडवाइजेबल दैट यू ब्रिंग योर ओन प्रेशर कुकर ठीक है मैंने ले लिया है तीन लीटर का ज़्यादा बड़ा मत लाना क्योंकि वहाँ आपने मतलब एक जने का ही बनाना है लाइक आपका ही खाना बनेगा उसमें तो ज़्यादा बड़े कुकर लाने का फ़ायदा नहीं है जितना बड़ा लाओगे उतना ही वेट बढ़ेगा इसलिए छोटा कुकर ले आना और हाँ हर एक यूटेंसिल के नीचे इंडक्शन ज़रूर होना चाहिए गाइस क्योंकि आपको नहीं पता आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको गैस मिलेगी या आपको इंडक्शन चूल्हा बनेगा खाना बनाने को तो इंडक्शन नीचे होनी चाहिए मेक श्योर फ्लैट सरफेस हो राउंड sure ना हो क्योंकि राउंड वहाँ पे चलेगा ही नहीं ठीक है अब मैंने यूटेंसिल्स में क्या क्या लिया गाइज कुकर ले लिया है फ्राई पैन ले लिया है उस फ्राई पैन भी ले लेना ले क्योंकि सब्जी वगैरह बनाओगे तो फ्राई पैन में बहुत ईजली बनेगी और एक तवा ले लिया है उस पर रोटी डोसा थेपला कुछ भी आप बना सकते हो न, पता नहीं गाइज जज मत करना आ, मतलब बहुत यूज़फुल है पैन बहुत यूज़फुल है ले लेना आप लोग भी और ग्लास कटोरी चम्मच ये तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक गाइज़ एक चाय छानने की जो छलनी होती है वो ज़रूर ले लेना क्योंकि वो वहाँ पे नहीं मिलेगी आसानी से और चिमटा ले लेना गाइज रोटी पलटने वाला और बेलन ले लेना और हाँ गाइज़ कड़छी फॉर श्योर यू हैव टू टेक मतलब वो छोटे वाली जो कड़छी होती सब्जी बनाते हुए जिसको हम यूज़ करते हैं वो भी ज़रूर रख लेना ठीक है अब बात करती हूँ गाइज़ मैं बेडशीट की और पिलो की ठीक है गाइज़ मैंने बेडशीट्स तीन रखी हैं मेक श्योर यू आर टेकिंग बेडशीट्स बेडशीट बिना भूले रखना प्लस मैंने पिलो भी ले लिया है अब आप सोचोगे पिलो तो You know, इतना मोटा कैसे लेके जाओगे गाइज वही प्रोसीजर है पिल्लो को मैंने करवा लिया है वैक्यूम और इतना बड़ा पिल्लो इतना हो चुका है लाइक like, जितनी विट आपकी चद्दर की होती है उतनी विट ही पिल्लो की हो गई है तो इट्स ईजी टू टेक अ पिल्लो उसके बाद क्विल्ट यानी कि रजाई गाइज रजाई रख लेना uh, अब आप पूछोगे कि रजाई कैसे रखें बाकी सामान कैसे आएगा तो गाइज़ फ़ाइबर की रजाई होती है आप शॉप पे जाओगे और उनको बोल देना कि फ़ाइबर वाली दे दो इट्स लाइक like, उनका जो वेट होता है वो फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम्स या यू नो सेवेंटीन हंड्रेड ग्राम्स तक पड़ जाता है ऑनलाइन भी चेक कर लेना मैंने यहीं से पास की शॉप से लिया था लेकिन ऑनलाइन भी बहुत ऑप्शन है तो ऑनलाइन चेक कर लेना गाइज़ वो बहुत हल्की होती हैं ऑल्सो वो बहुत गर्म भी होती हैं तो रजाई भी ले लेना और मतलब मैंने तो ले ली और ऊपर से मैंने जो रिजाई है वो मैंने अपने कैबिन बैग में वो जो छोटे वाला मोटू बैग जो मैंने दिखाया था पर्पल कलर का उसमें मैंने रिजाई डाल दी क्योंकि गाइज़ अगर मैं इसमें मतलब इन बैग्स में डालती तो मेरे जो वो कपड़े वाले बड़े बड़े वैक्यूम करके मैंने सेट किए थे वो इस बैग में नहीं आते लेकिन रिजाई का छोटा सा एक वैक्यूम करके मैंने इसके साइज़ का बनवा लिया इसलिए मैंने उसको कैबिन वाले में डाल दिया है ऑल्सो गाइज जैसा कि इंडिया में अभी गर्मी है और मेलबर्न में अभी सर्दी है राइट right? तो एक जैकेट को हैंडी रखना ये नहीं है कि सब कुछ सील पैक करके चेक इन बैग्स में आपने भर दिया है और वहाँ पे उतरते ही आपको कुछ नहीं मिला गाइज वी कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ यू नो गेटिंग कोल्ड उतरते ही तो एक जैकेट मोटे वाली पफर जैकेट उसको हैंडी रखना उसको आप कैबिन बैग में रख लेना मैंने भी वैसे ही किया है ऑल्सो गाइज़ एक एडवाइस दूंगी कि ऐसा बोलते हैं कि कैबिन बैग में यू नो एट के जीज ले आना है सेवन के जीज़ ले आना लेकिन गाइज़ इट्स अ सीक्रेट कि कैबिन बैग को कोई भी वे नहीं करता यानी कि उसका वज़न नहीं तोलते तो उसमें आठ के जी के बजाय नौ भी डाल लोगे ना दस भी डाल लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो डाल लेना मतलब मैंने भी इसको साढ़े नौ के जीज तक कर दिया है जितना इसमें आए लेकिन गाइज कैबिन बैग का जो साइज है वो जरूर ध्यान रखना ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा बैग लेके आओ और उसे बोल दो कि मैंने तो ये कैबिन में डलवाना है गाइज एयरप्लेन में जो कैबिन होता है ऊपर बैग रखने के लिए उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है ठीक है और आपको उसी साइज का बैग लाना है अब मैं अपने बैग की स्टोरी बताती हूँ जो मैं कैबिन बैग लेके आई हूँ वो मैंने टायर वाला नहीं लिया गाइज अब बताती हूँ रीज़न आप मतलब यू नो मार्केट में ट्रॉली बैग्स भी आते हैं टायर वाले जो कैबिन साइज़ के होते हैं लेकिन उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता मतलब बहुत कम सामान आता है उसमें लेकिन जो मैंने बैग लिया है उसमें ना तो टायर्स हैं और वो काफ़ी स्पेशियस है जिसकी वजह से जो बैग का वज़न है वो गाइज़ वन के से भी कम है तो उस हिसाब से मैंने उसमें ज्यादा सामान रख लिया अगर आपको ये आइडिया सही लगे तो आप लोग भी ये कर लेना टायर वाला ट्रॉली बैग लेने से अच्छा या टायर वाला बैग लेने से अच्छा आप बिना टायर वाला ले लेना ताकि बैग का वजन बिल्कुल मिनिमल हो जाए और जो आप सामान डाल रहे हो वो आप ज़्यादा डाल सको क्योंकि अगर टायर वाला ले लिया तो वो जो टायर का वज़न होता है वही ढाई किलो यानी कि 2.5 पॉइंट हो जाता है और जिसकी वजह से फिर बचा ही कितना डालने को राइट तो बैग का वज़न अगर मिनिमल हो गया तो अब सामान आपका ज़्यादा आ जाएगा तो मैंने भी यही किया और मैंने बिना टायर वाला अमेरिकन टूरिस्टर का ये बैग लिया है बहुत लाइट वेट है तो हाँ बस यही और लैपटॉप बैग में तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा फ, पार्ट वन में बता दिया था पार्ट वन नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख लो उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं ऑल्सो अब क्या रह गया गाइज एक और चीज़ है लाइक like, बहुत अच्छी है वो सबको वो चीज़ लेनी चाहिए रुको मैं दिखाती हूँ जस्ट लुक एट दिस गाइज ये एक बैग है पता नहीं वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं इस और इसमें मैंने अपनी सारी टॉयलेटरीज़ रखी हैं मतलब ये एडवाइजेबल है कि टॉयलेटरीज़ रखने का बैग एक सेपरेट लेना क्योंकि टॉयलेटरीज़ में हम टूथपेस्ट रखते हैं फेस वॉश रख लेते हैं शैम्पू रख लेते हैं यू नो मॉइस्चराइज़र रख लेते हैं या फिर फेशियल uh, ऑयल्स रख लेते हैं जिसकी वजह से लीक होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है तो गाइज अगर आपके पास टॉयलेटरीज का अलग बैग है जिसमें चेन्स हैं मैं दिख मैं खोल के भी दिखा देती हूँ ये ऐसे था मतलब ये ऐसे बंद होता है यहाँ से ये है ठीक है और जब आप इसको खोलते हो ना तो ये ऐसे निकलता है गाइज़ ये दिख नहीं रहा पता नहीं बट ये देखो इसमें भी मैंने इतना सामान भर लिया फेस वॉश वगैरह और इसमें भी कुछ कुछ सामान रख लिया और ये तो दिख ही रहा होगा तो गाइज़ ये बहुत बढ़िया चीज़ है लीकेज से बच जाओगे ठीक है ऑल्सो ये देखो इसमें ना ये टांगने का है तो इसको वहाँ दीवार पे मतलब कोई नेल हो तो उस पर अगर आप टांग दोगे ना तो इसको ऐसा का ऐसा भी यूज़ कर सकते हो तो ये मल्टीपरपज़ चीज़ है थैंक मी लेटर गाइज ये बहुत काम की चीज़ है आप लीकेज से बच जाओगे मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सो गाइज नेक्स्ट थिंग इट्स अंडर गारमेंट्स गाइज अंडर गारमेंट्स के टेन टेन पेयर्स ज़रूर रख लेना क्योंकि जाते ही आपको नहीं पता कि यू you नो know, आपको धोने का टाइम मिले सेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है और हमें यू you नो know, धीरे धीरे चीज़ों का पता लगता है तो मेक शोर यू आर कैरिंग एटलीस्ट टेन टेन पेयर्स ऑफ योर अंडर गार्मेंट्स और सॉक्स ये ये चीज़ें याद रख लेना और मतलब ज़्यादा ज़्यादा रख लेना बाकी क्लोदिंग का मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था ये मैंने मिस कर दिया था तो ये मैंने अभी बता गाइज जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप लोग जा रहे हो Guys, हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी होती है एंड जब आप एक स्ट्रेंज लैंड पे जा रहे हो यू नीड मोटिवेशन इन एवरी स्टेप यू टेक ठीक है तो उसके लिए गाइज़ डोंट फोगेट टू कीप फोटोग्राफ्स अपने फैमिली की फोटोग्राफ्स रख लेना यू नो हम इतनी जल्दी से वापस आते भी नहीं हैं तो गाइज़ दीज फोटोग्राफ्स विल हेल्प अस टू यू नो मोटिवेट आर सेल्स वेन एवर वी आर फीलिंग डाउन वी कैन जस्ट लुक एट आर पेरेंट्स वी वी कैन जस्ट लुक एट आर फैमिली एंड यू नो फील बूस्टअप एंड कॉन्फिडेंट अगेन तो गाइज़ फैमिली फ़ोटोज़ प्लीज़ रख लेना ये तो मेरी तरफ़ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 प्लीज रख लेना या आई थिंक आई हैव कंक्लूडेड इट ऑल अगर कुछ भी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना आई वुड बी हैप्पीएसट टू रीड ऑल योर कमेंट्स और अगर कोई भी सजेशन है मतलब जो चीज़ मैं भूल गई हूँ रखना तो मुझे भी बता दिया करो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना आर जू अंडरस्कार गौर अंडरस्कॉर और वीडियो uh, को लाइक like कर दिया करो शेयर कर दिया करो टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया बहुत हेल्पफुल होगा ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूला करो क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते गाई सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज uh, हाँ अब तो आई थिंक एक वीडियो आए मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उसके बाद तो सीधा मैं आप लोगों से ऑस्ट्रेलिया में मिलूँ स्टे ट्यून्ड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय एंड टेक केयर